वेलकम बैक क्लास टू येट अनदर वीडियो ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपने रिफ्रैक्शन के पहले दो पार्ट के वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया है, सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है 11th के कंसेप्ट के हिसाब से। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इस टॉपिक के अंदर। सो कृपया ध्यान से इसका स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहाँ पे जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया की ये बात कर रहा है, मीडिया का इसका बोलने का मतलब है कि ये बात कर रहा है मीडियम के बारे में। हमने डिस्कस किया हुआ है कि मीडियम एक ऐसी चीज़ है जिसमें से लाइट पास होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मीडियम कैन बी एयर, मीडियम कैन बी वाटर, मीडियम कैन बी ग्लास। तो बोलता है फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर मतलब दो लोगों की बात कर रहा है वो एक साथ, ठीक है। सो इट कैन बी अ पेयर ऑफ वाटर एंड एयर, और इट कैन बी अ पेयर ऑफ वाटर एंड ग्लास। तो कोई भी दो लोगों का पेयर होगा, किसका पेयर होगा, मीडिया का पेयर होगा, मतलब मीडियम का पेयर होगा। सो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन, मतलब आपको साइन का एंगल लेना है, किसका साइन का एंगल लेना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में बात की है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो आप साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था आर, तो आपको एंगल ऑफ आई का साइन लेना है, मतलब आपको साइन आई लेना है, और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन लेना है, मतलब आपको साइन आर लेना है। सो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो आएगा, मतलब साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो आएगा, वो हर दम एक कॉन्स्टेंट होगा। आपको कंसिडर क्या करना है, आपको कंसिडर करना है यहां पे एक सर्फेस। अब हम किसका सर्फेस ले रहे हैं, सो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि ऊपर एयर है और नीचे पानी है। तो क्या यहां पे गिवन पेयर ऑफ मीडिया आ गया, इस गिवन पेयर ऑफ मीडिया के अंदर हमने एयर को चूज किया है और हमने पानी को चूज किया है। सो फॉर हमारे नॉलेज के हिसाब से हमको समझ में आ रहा है कि एयर जो है वो रेयरर मीडियम में आ जाएगा और वाटर डेंसर मीडियम में आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पहला स्टेप हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन का नाम है क्लास नॉर्मल, जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और अब हम यहां से एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। ये जो लाइन यहां पे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट है। इस रे ऑफ लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे। जैसे हमको पता है कि ये इंसिडेंट रे जाना तो चाहती है एकदम स्ट्रेट, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बट हो क्या गया है कि मीडियम में चेंज आ गया है और पार्टिकल्स की पैकिंग में भी चेंज आ गया है। सो अब लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। सो हमने पढ़ा है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल। सो लाइट इस तरह से बेंड हो जाएगी। इस रे का नाम हम लोग देंगे रिफ्रैक्टेड रे। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में होता है। सो करना क्या है क्लास, इस लॉ के हिसाब से आप एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, गिवन पेयर मतलब एयर ही रखो और पानी ही रखो, आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। आप इनकी कोई भी वैल्यू लो, कोई भी कितनी भी वैल्यू लो, जैसे सपोज कीजिए हमने पहली वैल्यू ली साइन आई वन अपॉन साइन आर वन, ये एक रेशियो ले लिया हम लोग, मतलब लाइट यहां से आ रही थी यहां जा रही थी। और एक कोई लाइट फेंक के मार लो, वो भी लाइट कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, वो भी लाइट कोई ना कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगी। सो उसका भी अलग से एंगल ले लो, वो साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, मतलब कोई नई रे ले आपने, दूसरी रे ले ली, उस रे ने अलग सा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, एंगल अलग सा एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया, और तीसरी रे ले लो, वो बनाएगी साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री। इन सब का जो आंसर आएगा, रेशियो का जो आंसर आएगा, वो एकदम कांस्टेंट होगा, मतलब वो सेम होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब अगर आप ये एयर और वाटर में कर रहे हैं तो ही ऐसा वैलिड है, पता एयर ऑफ वाटर का कर रहे हैं फिर आपने एयर और ग्लास का किया तो उसके आंसर अलग अलग आएंगे। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एयर और पानी के बीच में जो साइन ऑफ इंसिडेंस का एंगल है उसका रेशियो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, तो जो भी आंसर आएगा वो हरदम कांस्टेंट आएगा। आप कितनी भी रे ले सकते हैं, सपोज कीजिए आपने यहां से और एक रे ले ली, तो सपोज कीजिए लाइट ये स्ट्रेट इस तरह से जानी चाहिए थी, पता अब इस तरह से जाने लग गई है, तो यहां पे अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इसको अपन आई वन ले लेते हैं, इसको अपन आई टू ले लेते हैं, और ये एंगल को अपन आर टू ले लेते हैं। ऐसे कितने भी रेज ऑफ लाइट आने दो, सपोज कीजिए एक रे ऑफ लाइट ऐसी जा रही है,
ठीक है, ये अभी एक इंसिडेंट रे हो गई, तो ये जानी चाहिए इस तरह से स्ट्रेट, बट ये बेंड होगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल, अब ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा आई थ्री, अब ये टोटल एंगल हो जाएगा आर थ्री। ऐसी आप कितनी भी रेज यहां से आप भेज सकते हैं, उनका जो साइन ऑफ एंगल आएगा और जो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल का रेशियो आएगा वो हरदम एक कॉन्स्टेंट होगा। ये बोलता है कौन, ये बोलता है आपका स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट।